हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज। आज हम यूपी के कुछ टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में जानेंगे कि 2021 की कट ऑफ क्या थी और 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो प्लीज़ इन तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ टॉप हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे KGMU, सभी लोग जानते हैं KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि नंबर वन का कॉलेज है। और पिछले साल 2021 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लास्ट राउंड की कट ऑफ गई थी, जनरल कैटेगरी की 676 थी, EWS की 670 थी, OBC का 668 था, SC का 564 था और ST का 400 था। साथ ही में अब जानते हैं कि 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने काफ़ी वीडियो में बताया इस बार कट ऑफ का डिक्रीज होना तो तय है। अब देखिए कि लगभग कितना डिक्रीज होते हैं। तो जनरल कैटेगरी का जो जाना चाहिए वो 675 जाना चाहिए, EWS का जाना चाहिए 663 और OBC का जाना चाहिए 665 और आपका SC का जाना चाहिए 563 और ST का जाना चाहिए 335। देखिए, किंग जॉन मेडिकल कॉलेज यूपी का नंबर वन कॉलेज है और ऑल इंडिया की रैंकिंग में देखा जाए तो ये कॉलेज जो है वो 9 रैंक पे आता है। साथ में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 1905 में, कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था और इस कॉलेज में जो टोटल सीटें हैं वो 250 MBBS की टोटल सीटें हैं इस कॉलेज की। इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इस कॉलेज की जो फीस है वो 54,800 है पर ईयर। तो देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है और काफ़ी स्टूडेंट्स का सपना होता है कि उसे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज उसे मिले। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कॉलेज कौन सा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये लखनऊ में है और KGMU के बाद इसी का नंबर आता है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स यूपी में या ऑल इंडिया में अगर लखनऊ में प्रेफरेंस देंगे तो KGMU के बाद दूसरे नंबर पर है ये कॉलेज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। 2021 की कट ऑफ देखते हैं तो 2021 की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की गई थी 657, EWS की थी 651, OBC की थी 647 और SC की थी 519 और ST की थी 390। लेकिन ये लास्ट कट ऑफ की मैं बात बोल रही हूँ होम स्टेट की। तो जब स्टेट की काउंसलिंग 2021 के बाद ये कट ऑफ थी और अब 2022 के बाद जो कट ऑफ देखते हैं वो जनरल की कैटेगरी मिनिमम जानी चाहिए 653, EWS की जानी चाहिए 649, OBC की जानी चाहिए 643 और SC की जानी चाहिए 515 और ST की जानी चाहिए 380। तो ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है फ्रेंड्स, क्योंकि ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 2017 में और इस कॉलेज की जो टोटल सीटें हैं वो 150 इस कॉलेज में MBBS की टोटल सीटें हैं। तो ये भी कॉलेज दूसरे नंबर का कॉलेज है। नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं फ्रेंड्स, नेट्स गवर्नमेंट कॉलेज है लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ, जिसको हम LLRM के नाम से भी जानते हैं। इसकी 2021 की जो कट ऑफ थी वो जनरल की थी 634 और EWS की थी 631, OBC की थी 630 और SC की थी 492 और ST की थी 398। अब देखते हैं 2022 के इस कॉलेज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होनी चाहिए वो जनरल कैटेगरी की होनी चाहिए 630, EWS की जानी चाहिए 628, OBC का जाना चाहिए 625, SC का जाना चाहिए 486 और ST का जाना चाहिए 394। ये कॉलेज भी बहुत अच्छा है और इस कॉलेज की जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होती है। तो ये कॉलेज जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में, ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ। इस कॉलेज में भी टोटल MBBS की जो है वो 150 सीटें MBBS की है और 43,000 पर ईयर इस कॉलेज की फीस है, 43,000 पर ईयर इस कॉलेज की फ़ीस है। तो मेरठ का ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाती और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी नहीं मिलते हैं। फर्स्ट नेक्स्ट हमारा होम स्टेट का कॉलेज है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी। ये कॉलेज जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1968 में, कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। टोटल इस कॉलेज में 150 सीटें हैं और इस कॉलेज की जो फीस है वो 45,000 अप्रॉक्स इस कॉलेज की फ़ीस है पर ईयर।
और ये कॉलेज का भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है। पिछले साल जो स्टेट की कट ऑफ गई थी जिसके तहत 85 सीटें फिल की जाती हैं, मैं उसकी कट ऑफ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो 626 था, EWS का 623 था, OBC का 620 था, SC का 484 था और ST का 395 था। तो आप जानते हैं कि 2022 के इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो 600 लगभग 23 जानी चाहिए जनरल कैटेगरी की। EWS की बात करें तो 620 जानी चाहिए, OBC का जाना चाहिए 618 और SC का जाना चाहिए 481 और ST का जाना चाहिए 392। तो ये मिनिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए 2022 की झांसी कॉलेज की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज है SN मेडिकल कॉलेज आगरा, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा। इस कॉलेज की जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की वो 634 थी, EWS का था 629, OBC का था 628, SC का था 454 और ST का था 320। देखिए, ये कॉलेज भी पुराना कॉलेज है। ये कॉलेज जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1939 में, कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ। इस कॉलेज की जो टोटल सीट है वो 150 सीटें हैं और फीस जो है वो 36,000 पर ईयर फीस है इस कॉलेज की। तो ये भी कॉलेज मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इस कॉलेज की अब देखते हैं कि 2022 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो जानी चाहिए। तो 631 जाना चाहिए जनरल कैटेगरी का, EWS का जाना चाहिए 625 और आपका OBC का जाना चाहिए 623 और SC का जाना चाहिए 450 और ST का जाना चाहिए 318 के करीब ST की कट ऑफ होनी चाहिए। तो 2022 के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानी चाहिए, ये हम मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, हम हाई कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं। ये मिनिमम सेकेंड राउंड की कट ऑफ को लेकर के हम होम स्टेट की डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शाहजहाँपुर। इस कॉलेज की हम अगर 2021 की कट ऑफ को देखते हैं जनरल कैटेगरी का, तो था 612, EWS का था 610, OBC का था 609, SC का था 453, ST का था 291। अब देखते हैं कि 2022 में इसकी कट ऑफ क्या जानी चाहिए। तो जनरल कैटेगरी की जानी चाहिए इसकी कट ऑफ 608 इसकी जानी चाहिए जनरल कैटेगरी की। EWS का जो होना चाहिए वो 607 EWS का होना चाहिए। OBC की कट ऑफ जानी चाहिए 603 के करीब OBC कट ऑफ जानी चाहिए। SC की जानी चाहिए 450 और ST की जानी चाहिए 288। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शाहजहाँपुर की जानी चाहिए। ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 2019 में। इस कॉलेज में टोटल 100 सीटें हैं और इस कॉलेज की जो फीस है वो 40,800 पर ईयर फीस है। नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़। ये कॉलेज जो है इस्टेब्लिश हुआ था 2013 में। इस कॉलेज में टोटल 100 सीट है और इस कॉलेज की जो फीस है वो 40,800 इस कॉलेज की पर ईयर फीस है। ये कॉलेज भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। तो जनरल कैटेगरी का जो इस कॉलेज की कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर होम स्टेट की 621 थी जनरल कैटेगरी का। EWS का था 610, OBC का था 605, SC का था 465 और ST का था 323। इस साल जो इस कॉलेज की कट ऑफ जानी चाहिए जनरल कैटेगरी की वो 615 होनी चाहिए और EWS की जानी चाहिए 609 और OBC का जाना चाहिए 600, SC का जाना चाहिए 460 और ST का जाना चाहिए 320। देखिए, इस साल भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। जिन स्टूडेंट्स ने लगभग 600 के करीब मार्क्स अर्न किए हैं इस साल, वो स्टूडेंट्स, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने मिनिमम 600 मार्क्स अर्न किए हैं उनको इस साल गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, लेकिन उन्हें एफर्ट करना होगा काउंसलिंग फर्स्ट और सेकेंड राउंड तक की। GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर।
फ्रेंड्स ये कॉलेज जो है ये काफ़ी पुराना कॉलेज है। 1956 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। इस कॉलेज में जो टोटल फीस है इस कॉलेज की जो टोटल सीट है वो 300 है और कॉलेज की जो फीस है वो 42,000 पर ईयर फीस है। तो GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर का जो है काफ़ी कट ऑफ इस कॉलेज की हाई जाती है, क्योंकि लखनऊ के बाद जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज को प्रिफेयर करते हैं रैंक के आधार पे, वो कानपुर के इस मेडिकल कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं। तो देखिए देखते हैं 2021 की जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो 650 थी, EWS की थी 643, OBC की थी 642, SC की थी 514 और ST की थी 343। अब देखते हैं कि इस साल 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए। तो 645 जानी चाहिए आपकी जनरल कैटेगरी की, EWS की जानी चाहिए 640, OBC की जानी चाहिए आपकी 637 और SC की जानी चाहिए 510 और ST की जानी चाहिए 375। ये जो 2022 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर की। नेक्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद, ये कॉलेज काफ़ी पुराना नहीं है, 2019 में कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। टोटल इस कॉलेज की 100 सीटें हैं और इस कॉलेज की जो फीस है वो है 49,800 पर ईयर फीस है इस कॉलेज की। इस कॉलेज की जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी वो 615 थी 2021 में, EWS की थी 612, OBC का था 611 और SC का था 456 और ST का था 243। अब देखते हैं कि 2022 में इसकी कट ऑफ क्या जानी चाहिए। तो जनरल कैटेगरी का जाना चाहिए 611 और EWS का जाना चाहिए, इस कॉलेज की जो कट ऑफ होनी चाहिए वो 610 होनी चाहिए, OBC का होना चाहिए 609, SC का जाना चाहिए 453 और ST का जाना चाहिए 280। तो इस साल भी इस कॉलेज की कट ऑफ लगभग इतनी जानी चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स इस आधार पे हैं 600 प्लस हैं, वो यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट कॉलेज कौन सा है, नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज। ये भी कॉलेज नया है, पुराना नहीं है, 2019 में कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ। इस कॉलेज में टोटल 100 सीटें हैं और इस कॉलेज की जो फीस है वह 49,800 पर ईयर फीस है। इस कॉलेज की कट ऑफ भी बहुत हाई नहीं जाती है। जनरल कैटेगरी की पिछले साल सेकेंड राउंड की जो कट ऑफ गई थी 621, EWS का था 615 और OBC का था 612, SC का था 461 और ST का था 292। इस साल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 में जानी चाहिए वो 618 के करीब होना चाहिए जनरल कैटेगरी का, 612 होने चाहिए EWS का और OBC का होना चाहिए 609 के करीब, OBC का होना जाना चाहिए, SC का जाना चाहिए 400, SC का जाना चाहिए 455 और ST का जाना चाहिए 289। तो ये इस साल की 2022 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए। नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज है बस्ती, ये भी पुराना कॉलेज नहीं है, नया कॉलेज है। ये भी कॉलेज भी 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था। टोटल सीटें इस कॉलेज के भी 100 हैं और इस कॉलेज में जो फीस है 49,800 पर ईयर फीस है इस कॉलेज की। जनरल कैटेगरी का जो 2021 का कट ऑफ था वो 611 था, EWS का 610 था, OBC का था 608, SC का था 491 और ST का था 291। अब देखते हैं 2022 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए। तो 609 होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की और EWS की जानी चाहिए 607 और SC का जाना चाहिए 606 और SC का जाना चाहिए 488 और ST का जाना चाहिए 288। तो देखिए फ्रेंड्स जिन स्टूडेंट्स ने, मैंने पहले भी बोला 600 प्लस हैं, वो होम स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, होम स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, क्योंकि फ्रेंड्स एक बार अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है तो एक तो आपको यूपी के हैं तो आपको बॉन्ड नहीं साइन करना पड़ेगा, दूसरी फैसिलिटी आपको ये मिलेगी कि
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस बहुत ही कम होती है और आने फ्यूचर में उसके स्कोप बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज देखते हैं, नेक्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायू जो है, ये कॉलेज भी नया है, 2019 में इस्टेब्लिश हुआ है। टोटल सीटें इस कॉलेज की 100 है। उस कॉलेज की जो फ़ीस है वो 36,000 पर ईयर इस कॉलेज की फ़ीस है। तो इस कॉलेज की भी कट ऑफ हाई नहीं गई थी पिछले साल। जनरल कैटेगरी की जो गई थी 2021 में 615, EWS की थी 612, OBC का था 609, SC का था 454 और ST का था 281। अब देखते हैं 2022 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जानी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस इस कॉलेज में नहीं होगा क्योंकि पिछले साल ही कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई थी। तो 612 के करीब जाएगा जनरल कैटेगरी, 607 के करीब जाएगा EWS, OBC का जाना चाहिए 605 और SC का जाना चाहिए 450 और ST का जाना चाहिए 289 के करीब ST का जाना चाहिए। तो ये रही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं की कट ऑफ। अब देखते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फैजाबाद। ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 2019, ये भी 2019 का कॉलेज है और इस कॉलेज में टोटल 100 सीट है। इस कॉलेज की जो फ़ीस है वो 36,000 पर ईयर इस कॉलेज की फ़ीस है। तो इस कॉलेज की भी मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है। पिछले साल जो गई थी जनरल कैटेगरी की 618, EWS का था 615, OBC का था 613, SC का था 459 और ST का था 288। तो इस साल इस कॉलेज की जो कट ऑफ जानी चाहिए वो जनरल कैटेगरी की होनी चाहिए 612, EWS का होना चाहिए 610 और OBC का जाना चाहिए 608 और SC का जाना चाहिए 454 और ST का होना चाहिए 284। तो ये इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हम यूपी के कुछ गवर्नमेंट कॉलेजों की कट ऑफ को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं आपसे। अब नेक्स्ट कॉलेज है आपका, नेक्स्ट कॉलेज है बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, जिसे हम BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के नाम से जानते हैं। ये कॉलेज भी काफ़ी फेमस कॉलेज है। अगर KGMU और राम मनोहर लोहिया, उसके बाद आता है आपका कानपुर मेडिकल कॉलेज, इसके बाद अगर स्टूडेंट्स प्रेफरेंस करते हैं तो BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर को ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रेफरेंस देते हैं। इस कॉलेज की कट ऑफ भी हाई जाती है। ये इस कॉलेज की जो जनरल की कट ऑफ पिछले साल गई थी 630 गई थी, EWS की गई थी 626, OBC की थी 625, SC का था 486 और ST का था 371। अब देखते हैं 2022 में इसकी कट ऑफ क्या जानी चाहिए। तो 627 जानी चाहिए आपकी जनरल कैटेगरी का, EWS का होना चाहिए 623 और OBC का जाना चाहिए 621 और SC का जाना चाहिए 484 और ST का जाना चाहिए 366। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की, क्योंकि इस कॉलेज की कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होती है। और ये कॉलेज जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। इस कॉलेज में टोटल 100 सीट है और इस कॉलेज की जो फ़ीस है वो 42,000 पर ईयर इस कॉलेज की फ़ीस है। तो ये कॉलेज BRD मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है। नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं, नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा। ये भी कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है और काफ़ी महंगी सिटी है और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो है इस कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं। तो पिछले साल 2021 का जो कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का 633 था, EWS का था 624, OBC का था 623, SC का था 490 और ST का था 331। देखिए इस साल की इसके जो कट ऑफ जानी चाहिए बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगी, तो क्योंकि इस कॉलेज को काफ़ी स्टूडेंट्स प्रेफरेंस रखते हैं। तो 600 जो आपकी इस साल की कट ऑफ जानी चाहिए वो 630 जनरल की होनी चाहिए, 600 आपकी जो कट ऑफ होनी चाहिए EWS की वो 620 होनी चाहिए, OBC का होना चाहिए 618 के करीब और SC का जाना चाहिए 485 और ST का जाना चाहिए 329 के करीब। तो ये इस साल 2022 की इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए।
ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 2008 में, काफ़ी पुराना कॉलेज है। इस कॉलेज में 100 सीटें हैं और इस कॉलेज की जो फीस है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। इस कॉलेज की जो फीस है वो है 83,600 पर ईयर फीस है इस कॉलेज की। तो ये कॉलेज काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, पर ग्रेटर नोएडा में होने के कारण काफ़ी स्टूडेंट्स इस कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं। फ्रेंड्स, यूपी स्टेट के कुछ डेटा का एनालिसिस करने पे ये पता चला है कि 400 से कम जो है वो मार्क्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स के होंगे, 52% 52% जो मार्क्स हैं वो 400 से कम होंगे, और 400 से 500 के बीच जो मार्क्स बच्चों के रहेंगे वो लगभग 17% रहेंगे, और 500 से 600 के जो मार्क्स लगभग रहेंगे वो रहेंगे आपके 7% स्टूडेंट्स लगभग 500-600 के बीच में रहेंगे, और 650 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो मार्क्स होंगे वो लगभग 9% होंगे इस बार। तो मेरिट, इससे पता चला है कि मेरिट तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है। तो जिन स्टूडेंट्स ने 600 प्लस मार्क्स पाए हैं वो होम स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन यूपी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में देने की कोशिश की है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले हमारे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।